आज 18 अप्रैल है। रोज की तरह एक नया दिन, पर एक लड़की के लिए कभी न खत्म होने वाली एक रात। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ये कहानी की शुरुआत है, पर इसका अंत। Can I help you? इसके 12 रुपए होंगे मैडम। आप मुझे जानते हैं? क्या आप कोई फेमस पर्सनालिटी है? आई मीन कोई टीवी स्टार या कुछ? आई एम सो सॉरी, मैं टीवी देखता नहीं हूँ, पर आप जो भी हो मैडम, हम यहाँ पे किसी को कोई डिस्काउंट नहीं देते। इसके 12 रुपए फिर भी लगेंगे। 12 रुपए? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे होगा मैडम, अपना कोट चेक करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉकेट में होगा पर्स। ऑफ कोर्स, पर्स में तो मेरा आईडी भी होगा। आईडी होगा, पैसे होंगे, उसमें 12 रुपए होंगे, वो मुझे दे दीजिए और ये बॉटल ले जाइए। हाँ। वाव। आई मीन मैंने तो सिर्फ 12 रुपए मांगे थे, आप कोई बैंक बैंक लूट के आ रही है क्या? आप क्या है, रेस्टरूम में? आप इतने सारे पैसे लेके रेस्टरूम में जाएंगी? मैं यूज कर सकती हूँ? डेफिनेटली यूज कर सकती है। स्ट्रेट एंड टुवर्ड्स योर राइट। Welcome to Bawa International, ma'am. How can I help you? मुझे एक रूम चाहिए। Sure, ma'am. कब तक ठहरेंगे आप? कितने दिन? पता नहीं। I'll take care of this. Sure, sir. How can I help you, ma'am? मुझे एक कमरा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप कितने दिन रहना चाहेंगी? एक रात, शायद दो। ओके, सिंगल रूम? आप क्या लॉकर्स हैं? जी सर, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा सर। ओके। मुझे एक लॉकर भी चाहिए। लॉकर? शो मैम। ये फॉर्म। फॉर्म? आपका लगेज? लगेज नहीं है। नो लगेज। या ये फॉर्म। ये फॉर्म भरना जरूरी है? एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ। रूल्स मैम, अगर आप चाहें तो आई कैन हेल्प यू फिल द फॉर्म। आपका नाम? नाम
करीना। करीना सरनेम? पटेल। पटेल पटेल। मिस करीना पटेल, सो दैट वॉज़न्ट सो डिफिकल्ट नाउ वॉज़ इट? एंजॉय योर स्टे, और अगर किसी चीज की जरूरत हो आई एम एट योर सर्विस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये मेरा खून नहीं है तो किसका है? ओह गॉड, कहीं मैंने किसी का खून तो नहीं कर दिया? लॉकर की रिक्वेस्ट दी थी, आप चाहें तो मैं आपके साथ भी चल सकता हूं। नो नो थैंक्स। Can I help you? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। बीपी लिख लिया। लिख लिया। मैडम हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इत्तला करता हूँ। ओके थैंक यू। हेलो, हाउ यू फीलिंग नाउ? पता नहीं। शो मी।
मेरा नाम शीला, शीला मारिया। बाय प्रोफेशन तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन प्रोफेशनल कम तो उससे ज्यादा बनना पसंद करती हूँ। होल्ड इट, शो मी। फिजिकली तो सब ठीक है डॉक्टर, मुझे अपना नाम जानना है। देखो हौसला रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पिछले दो दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुमने हमें बताया। Are you sure? इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे हुआ क्या है डॉक्टर? इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें हिस्टेरिकल एमनेशिया है। लेट मी एक्सप्लेन। एमनेशिया कई किस्म के होते हैं। आमतौर पर एमनेशिया के पेशेंट को तो ये भी याद नहीं रहता कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। मेरे ख्याल से तुम्हारी एमनेशिया की वजह कोई मानसिक तनाव हो सकती है। लेकिन हर आदमी किसी ना किसी वजह से परेशान होता है, उनकी याददाश्त तो नहीं खोती। देखो हर परेशानी की भी एक सीमा होती है, और जब ये सीमा पार हो जाती है तो इंसान अपने काबू में नहीं रहता, और ऐसे में इंसान तरह तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। कभी चोरी करके, कभी मारपिटाई करके, कभी मर्डर करके। लेकिन तुम इनमें से नहीं हो जी, चोर या कातिल। जस्ट जोकिंग। टेम्पररी मेमोरी लॉस 100% ठीक हो जाती है। किसी इंसिडेंट की वजह से, कोई जाने पहचाने व्यक्ति के मिलने से, हफ्ते भर में या कुछ महीनों में। बस महीने? हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मीनवाइल मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। नो अननेसेसरी स्ट्रेस, नो टेंशन, ओके? डॉक्टर, एमरजेंसी। अब तुम आराम कर लो, ओके? बुलाती हूँ। लिसा, क्या हुआ?
हाँ यही तुम्हारा नाम है। लीसा। ये डॉक्टर शर्मा है, मेरे कलीग है। उन्होंने तुम्हें नर्सिंग होम में देखा और पहचाना। मैंने मिस्टर ओबेरॉय आपके पति को यहाँ बुलवा लिया है, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पति, मेरे पति। हाँ मिस्टर अर्जुन ओबेरॉय, एक बार उनसे मिल लोगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं नहीं मिलना चाहती। मैं समझी नहीं आपको, आपको कैसे पता वो मेरे पति है? वो कुछ तस्वीरें लाए हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी। अर्जुन ओबेरॉय खुद एक डॉक्टर हैं और तुम डॉक्टर सिंघानिया की इकलौती बेटी हो। डॉक्टर सिंघानिया? लेट डॉक्टर सिंघानिया आपके पिता, लाइफ केयर हॉस्पिटल के मालिक। अगर वो मेरे पति हैं तो उन्होंने मेरे खो जाने की खबर पुलिस में क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके मुताबिक इस वक्त तुम्हें गोवा के किसी सेमिनार में होना चाहिए था। जैसे डॉक्टर शर्मा ने तुम्हारे बारे में उनको बताया, बहुत परेशान हुए। अगर ये सच है तो मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पा रही? उनमें सिर्फ एक अनजान शख्स क्यों दिखाई दे रहा है? शीशे में अपने अनजान चेहरे को देखने से बेहतर है किसी अनजान की आंखों में अपनी पहचान ढूंढना। डॉक्टर शर्मा? यस मैम। प्लीज कॉल डॉक्टर अर्जुन। ओके। लीसा मैं हूं, अर्जुन तुम्हारा अर्जुन। मुझे पहचानने की कोशिश करो लीसा, प्लीज। रिलैक्स डॉक्टर अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट ट्राई लीसा, मैं हूं ना डॉक्टर मारिया है, तुम ठीक हो जाओगी लीसा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Absolutely. लेकिन सबसे पहले मेरा एडवांस। ग्रेट, मुझे मिल गया। मेरे ख्याल से तुम दोनों को कुछ वक्त साथ बिताना चाहिए। लेकिन एक अनजान से दोस्ती तो की जा सकती है ना? ये फोटो देखो, तुम जानना चाहती हो कि हम कैसे मिले थे। सिंघानिया हॉस्पिटल में मैं स्टूडेंट था, तुम वहां अपने डैड के साथ आया करती थी, उनके साथ काम करती थी। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी जिम्मेदारी थी, बहुत भरोसा था उनको तुम पर। मैं तुम्हें वहां अक्सर देखा करता था। और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? किसी को भी हो जाता लीसा, तुम हो ही ऐसी। तुमसे अच्छा दोस्त और साथी मिलना नामुमकिन है।
ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है, फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से जिंदगी शुरू हुई थी। I'm sorry, अर्जुन। दिल तो तुम पे यकीन करना चाहता है मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा। याद आएगा लीसा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। So, how's it going? डॉक्टर मारिया, मैं चाहता था कि लीसा को घर ले जाओ। ग्रेट, घर? अपने घर लीसा, हमारा घर। अपना घर देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। डॉक्टर ओबराय, जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। श्योर डॉक्टर। लीसा, मैं आता हूँ, ओके? देखिए लीसा इस वक्त एक कोरे कागज की तरह है, आपको उसे रंगों से भरना है। मैं उसे खूबसूरत रंगों से भर दूंगा डॉक्टर। सच्चे रंगों से? ट्रस्ट मी। ये उसकी रिपोर्ट और दवाइयाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अंजू हमारी नेबर है और दोस्त। आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूं। आसमां पर लिख दूं नाम तेरा,
चेहरा अब देखूं सुबह शाम तेरा भूख लगी होगी क्या खाओगी बोलो मुझे क्या अच्छा लगता है वाला मैडम एग्स अ ला ओबेरॉय फॉर द लेडी ऑफ द हाउस तुम जानती हो हमारी लव स्टोरी में इस अंडे का बहुत बड़ा योगदान है क्या? जब पहली बार हम दोनों मिले थे ना मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था जैसे तैसे करके मैंने तुम्हें खाने पर इनवाइट किया और ऐसा ही अंडा मैंने तुम्हें खिलाया फॉर्चुनेटली अंडे के साथ साथ मैं भी तुम्हें अच्छा लगने लगा फिर क्या फिर हमारी शादी हो गई हमारे रिश्ते में एक बहुत खास बात है हमने एक दूसरे से कभी कुछ छुपाया नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा अगर मेरे पास सब कुछ था एक अच्छा पति एक प्यारा सा पैसा तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी आदाश चली गई वो पैसे वो घूम के लीसा लीसा लगता है तुम्हें अंडा अच्छा नहीं लगा एनीवे Hello, Anju. मैंने disturb तो नहीं किया? No, not at all. Chocolate cake. Thank you, you're so kind. Lisa, तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा ना? मैं समझ सकती हूँ. हर चीज़ अनजानी सी, अनदेखी सी. नहीं, अब नहीं लग रहा. अब तो बस एक इंतज़ार है. अपने आप से मिलना चाहती हूँ. So, कहाँ से शुरू करें? मेरा नाम अंजु है. मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ. अच्छी पड़ोसन दो सालों से पहले जब हम यहाँ आए थे तब तुमने हमारे लिए एक बहुत ही कमाल का केक बेक किया था तब से आज तक बस मैं कोशिश ही कर रही हूँ बना नहीं पाई कम से कम देव तो यही कहते हैं देव मेरे हस्बैंड हैं पर उससे पहले तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त तुम उनके साथ जॉगिंग जाया करती थी वो नेवी में काम करते हैं फिलहाल वो 2 महीनों से बाहर हैं इस वक्त सिर्फ मैं और मेरे डैडी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कुछ पूछना हो तो
तो फोन जरूर करना, ओके? मैं चलती हूँ, बाय। थैंक यू अंजू। शी इज नाइस। कितना मुश्किल होता होगा ना उसके लिए, पति के बिना, अकेले, अपने डैडी के साथ। इट्स ट्रू। अर्जुन, डॉक्टर मारिया ने पापा के बारे में हॉस्पिटल में बताया था, लेकिन मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? तुम थकी हुई हो लीजा, कल बात करें। अर्जुन प्लीज। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी माँ बहुत अकेली हो गई थी। कुछ हफ्तों के लिए वो हमारे साथ रहने आई थी। तुम चाहती थी कि वो हमारे साथ ही रहे, लेकिन वो नहीं मानी। जिस दिन वो जाने वाली थी, वो तुम्हारी कार लेकर शॉपिंग के लिए गई थी। यहां से कुछ ही दूर एक हादसे में उनका देहांत हो गया। तुम अभी कुछ छुपा रहे हो अर्जुन। लीसा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। अर्जुन प्लीज। जिस दिन तुम्हारी याददाश्त चली गई, उसी दिन तुम्हारी मां की डेथ एनिवर्सरी थी। और तुम्हारे ख्याल से उस हादसे का ताल्लुक मेरी याददाश्त के खो जाने से है? लीसा, तुम्हें अब आराम की जरूरत है, ओके? मैं बाहर गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बुला लेना, ओके? नहीं, गेस्ट रूम में मैं सो जाती हूँ। तुम यही सो जाओ, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, तुम भी काफी थके हुए हो, मैं सो जाऊंगी। Are you sure? Yeah. तुम्हारी माता भी क्या है अर्जुन? वो सारी बातें हम कल करेंगे, ओके? गुड नाइट। Good night. I'm sorry. मैंने आपको डरा दिया। मेरा नाम सलीना है। डॉक्टर ओबेरॉय ने आपको बताया नहीं? नहीं। मुझे यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए रखा गया है। अर्जुन कहाँ है? वो तो सुबह ही हॉस्पिटल चले गए। आपके लिए ब्रेकफास्ट। तुम हमारे लिए कब से काम कर रही हो? हॉस्पिटल में एक साल से, घर में पहली बार। लीजिए। नहीं प्लीज। Hello. Hey, Lisa. Anjo, मैंने तुम्हें disturb तो नहीं किया? Don't be silly. Come on, आजो, बैठो। कैसी है वो नई लड़की? सुबह मैंने देखा उसे आते हुए। Sexy, हाँ? अंजू,
अंजू बेटा जी राज, बहुत बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा, अगर आपने नाश्ता अभी नहीं किया है तो फिर ये क्या है और ये क्या है जरा बताइएगा। अभी कहाँ, उसे तो बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ गया वो। ये कौन है? लीजा है राज, देर के साथ जॉगिंग जा करती थी, पहचाना नहीं आपने? ये लीजा थोड़ा ही है, अगर पहचानता तो पूछता ही क्यों है। ओफो, ठीक है लाती हूँ, बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है, मुझे तो बटर चिकन चाहिए। पर डैडी, चिकन सैंडविच में बटर भी है और चिकन भी है। नहीं नहीं, मुझे बटर चिकन चाहिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलेगा चलेगा। अंजू, तुमने कहा था कि मैं तुमसे जो भी पूछना चाहूँ पूछ सकती हूँ। हाँ जरूर लीजा, पूछो ना। देव के बारे में कुछ बताओ। देव तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे, इनफैक्ट तुमने ही हम दोनों को मिलवाया था। मैं उन्हें देखते ही मैं सिर्फ देव की दोस्त हूँ या तुम्हारी भी? ऑफ कोर्स मेरी भी। तो फिर पूरी बात बताओ ना अंजू। 2 महीने हो गए देव को गए हुए और उसका कोई फोन भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो लौट करके आएगा। नहीं आएगा? शायद मेरी ही गलती थी, बहुत झगड़ा किया मैंने उसके साथ में जाने से पहले। तुम बहुत लकी हो लीजा, अर्जुन तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम बहुत अच्छी हो अंजू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और बात पूछूं? हाँ। अर्जुन के माथे पर वो चोट कैसे लगी? हॉस्पिटल में अर्जुन पे किसी बच्चे ने एक खिलौने वाली एम्बुलेंस को फेंक कर मार दिया था। आप यहाँ हैं? सारा घर ढूंढ लिया, मैं तो परेशान हो गई थी। मैं तो डॉक्टर ओबेरॉय को फोन करने वाली थी, फिर सोचा एक बार यहाँ देख लूं। मिसेस ओबेरॉय, आइंदा मुझे बिना बताए प्लीज कहीं मत जाइएगा। अब चले। मैं बस एक मिनट में आया, कुछ जरूरी काम है, तुम यही रुको। ओके ओके। या मैं डर गई अर्जुन। I'm sorry। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी कभी आ चुकी हूँ। Of course तुम यहाँ आई हो, ये हमारा हॉस्पिटल है, it's all ours। Hello। Hi, I would like to talk to you. I'm sorry, वो शहर से बाहर गई है। पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। जी हाँ, मिसेज ओबेरॉय को अचानक ही जाना पड़ा। जी okay? जी सब ठीक है। बता देना कि टीना। हाँ मैं उन्हें बता दूंगी। ओके बाय। तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ? डॉक्टर ओबेरॉय ने कहा
कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। फोन पे बात करने से मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी। आप फोन पर कैसे बात कर सकती हो? ना आप किसी को जानती हो, ना किसी को पहचानती हो। शायद पहचान जाऊं। और शायद नहीं, फिर आप और अपसेट हो जाएंगी। लंच? मुझे भूख नहीं है। आपकी दवाइयां? मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं लीसा, लीसा ओब्रॉय। हाय लीसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी डॉक्टर। हाँ बोलो। आपने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर? हाँ, रेस्टिल, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, तुम्हारे आराम के लिए। क्यों? मैं वो बहुत कमजोरी महसूस करती हूँ, हमेशा थकी थकी से रहती हूँ। देखो, वो इसलिए कि तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डाल रही हो। तुम अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अनजान महसूस कर रही हो, और इसीलिए ये दवाई जरूरी है। तुम्हें आराम मिलेगा। ओके लिसा, ठीक है? मैं हूँ, अर्जुन है, है ना लिसा? ओके ओके डॉक्टर। मेरे लिए घर पे फोन आते हैं मेरे दोस्तों के, और उनसे झूठ कहा जाता है कि मैं घर पर नहीं हूं। क्यों? मैंने सलीना से कहा था कि तुम्हें परेशान ना करे। अगर मुझे हर वक्त पेशेंट ही समझा जाएगा तो मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। अर्जुन, अपने दोस्तों से बात करके हो सकता है मुझे कुछ। तुम अपने दोस्तों के साथ बात करके और परेशान हो जाओगी। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे हमदर्दी जताएंगे, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अभी अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। हेलो। हेलो अर्जुन। हाँ बोल रहा हूँ। सीमा है। ओ हाय। हाय, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फाइन, लीसा से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा? हाँ, इज शी देयर? हाँ है ना। जस्ट गिव द फोन ना। एक मिनट, तुम्हारी दोस्त। हाँ? बात करो। कम ऑन। हेलो। ओके बात। हाँ? दे दिया ना धोखा हमेशा की तरह, तुम भी ना। उसे कहो कि तुम शहर से बाहर थी। मैं शहर से बाहर थी। हाँ, तो कम से कम फोन तो कर सकती थी ना। बहाने मत बनाओ। अच्छा छोड़ो ये सब। ये बताओ हमारे प्लान का क्या हुआ? तुमने कुछ डिसाइड किया? प्लान? सीमा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ तुम्हें सरप्राइज बना रही थी मुझे वेकेशन पे ले जाने के लिए, हमारे एनिवर्सरी के लिए। सीमा? ओके, अर्जुन वहीं पर है तो तुम बात नहीं कर सकती हो। ठीक है, जैसे हो जाएगा मुझे फोन कर देना। ओके बाय बाय। सरप्राइज, सारा शहर जानता है तुम क्या प्लान कर रही हो। तुम बीविया भी रही हो, सब फनी। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, मैं तैयार नहीं हूं। अच्छा आप मूड खराब मत करो, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए तुम बिल्कुल तैयार हो। देव हमेशा कहा करता था
कि जब अंजू शॉपिंग करती है तो सबसे ज्यादा खुश होती है। पता लीजा, तुम्हें ना जॉगिंग फिर से शुरू कर देनी चाहिए। तुम और देव हमेशा हेल्थ की बातें क्या करते थे, ताजी हवा और पता नहीं क्या क्या। Hey, look at that color. So pretty. What do you think? It's so nice. मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम भी कुछ देख लो, शायद कुछ पसंद आ जाए। हाँ, ट्राई करके। Some of them want to use you, some of them want to get used by you. Hey, check this out. It's cool, na? What do you think, Lisa? I think it's so cool. चलो तुम्हारे लिए भी कुछ लेते हैं। चलो चलो। क्या हुआ लीजा? तुम ठीक तो हो ना? वो आदमी उसने मुझे किस किया? किस? किसने किया? तुम इसे जानती थी? लीजा, जो कुछ भी हुआ वो अर्जुन को मत बताना। हाँ, क्यों? मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो। फिर से का मतलब? यूं ही यार, आजकल सब कपल्स के बीच में झगड़े ही होते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। मैं समझती थी कि तुम मेरी दोस्त हो अंजू। ऑफकोर्स लीजा, ऑफकोर्स मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो फिर तुम औरों की तरह मुझसे मेरा अतीत क्यों छुपा रही हो अंजू? प्लीज प्लीज, अर्जुन के अलावा कोई और भी है मेरी जिंदगी में? तुम्हारे कई दोस्त थे, मुझे ठीक ठीक तो पता नहीं, लेकिन अर्जुन ने बताया कि इस बात को लेकर तुम दोनों के बीच में तनाव जरूर था। ड्राइविंग लाइसेंस? मैडम, अपना कोट चेक करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉकेट में होगा। बस पर्स में तो मेरा आईडी होगा, आईडी, क्रेडिट कार्ड। अर्जुन, अगर मैं गोवा जा रही थी तो ये सब मेरे पास होना चाहिए था ना? लीजा, मैं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जानना चाहती हो लीजा, तुम गोवा नहीं जा रही थी। जिस दिन तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हुआ तब कार तुम चलाओ, लेकिन किसी काम की वजह से तुम उनके साथ नहीं जा पाई। और एक्सीडेंट के बाद वो एहसास कि अगर तुम उनके साथ होती तो शायद, खैर, जिस दिन तुमने अपनी आदर्श खो दी उस दिन तुम्हारी मां की डेथ एनिवर्सरी थी। तुम उनकी बरसी पे जाना चाहती थी और मैंने कहा कि हॉस्पिटल का काम खत्म करके मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बात पे तुम बहुत नाराज हुई,
तुम्हें लगा कि मैं हॉस्पिटल के काम को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं और गुस्से में तुम अकेली ही चली गई। मैं ये नहीं जानता कि तुम अपनी पर्स अपने साथ क्यों नहीं ले गई। लिसा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और एक बार फिर अपनी जिंदगी शुरू कर दो। लेकिन मुझे लगने लगा है कि मेरा तुम्हारे पास होना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अगर ऐसा है तो कह दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। तब तक, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। नहीं, I'm sorry, अर्जुन, मैंने तुम पे शक किया। नहीं लिसा, दोष तुम्हारा नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुझ पर भरोसा करने की कोशिश करो। आप जानते हैं ये मशीनें हॉस्पिटल के लिए कितनी जरूरी हैं और कितनी मुश्किलों के बाद हमें मिल रही हैं। पर सर, बिना लीसा के परमिशन के। लीसा इस हालत में नहीं कि ये सब, मैं उसे यहां नहीं ला सकता। सर, हम सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इस हॉस्पिटल को अपनी सारी जिंदगी दी है और जो कुछ भी आप कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरक्की और भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन सर, अब जब तक लीसा हाँ नहीं कहती। बस सुन लिया मैंने सब। सरप्राइज। अरे लीसा, मैं कम इन। ऑफ कोर्स, कम इन। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आज अगर मैं और कोई भी दुआ मांगता तो वो भी पूरी हो जाती। ले लीजिए जो परमिशन आपको लेनी है। परमिशन? लीसा, हॉस्पिटल के लिए कुछ जरूरी मशीनें मंगवाई थी मैंने, लेकिन तुम्हारे परमिशन के बिना, अनफॉर्चुनेटली। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन, जैसा तुम ठीक समझो। लीसा जी, कुछ पेपर्स साइन करने हैं, मैं सर को दे दूंगा, आप उन्हें साइन कर दीजिएगा। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, टेक केयर लीसा। थैंक यू। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? अर्जुन, मुझे अपना अतीत तो याद नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल कई बार दुखाया होगा। और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। Don't be silly, Lisa. तुम मेरा दिल कभी नहीं दुखा सकती। Yeah, okay. I'll take care of that. You don't worry. Okay. Kavita? Yes, doctor. Lisa एक patient है. I'll just be 5 minutes, okay? Okay. Uh-huh. Kavita, take care. Okay. Come. Doctor Oberoi might take a while. Yeah, I won't mind. Are you okay? Hmm. That's good. हॉस्पिटल में अर्जुन के किसी बच्चे ने एक खिलौने वाली एम्बुलेंस को ठीक करवा दिया। कार्पेट से खून पहुंचने में बहुत तकलीफ हुई होगी ना? मैं समझी नहीं। मतलब उस बच्चे ने अर्जुन को जब मारा तो काफी खून निकला होगा ना? कब? सॉरी लीसा, ऑल डन नाउ, शैल वी लीव? क्या हुआ? व्हाट? कविता को तुम्हारी चोट के बारे में कुछ पता ही नहीं? ओह, इतनी सी बात? 6 मार्च को जब मुझे ये चोट लगी थी तब कविता छुट्टी पर थी। ओह यस, राइट। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। चले। हेलो, हर बार तुम्हारी हाउसकीपर उठाती है और कहती है कि तुम नहीं हो। एनीवे, थैंक गुडनेस आज तो मुझे मिल गई। अच्छा सुनो, शाम को मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, ओके?
नाइट डिनर पार्टी। पर व्हाट डू यू मीन पर? पर वर कुछ नहीं, अभी मुझे बहुत सारे काम करने, शाम को मिलती हूँ। ओके, सी यू, बाय। हेलो अर्जुन, अरे मेरे शेर को सुन लो, वो शेर ऐसा है कि खुसरो नदियां प्रेम की उल्टी इसकी चाल, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। लिसा, कैसे हो तुम? अर्जुन कह रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पहले बता देती, हम किसी और दिन आ जाते। अनीता, अभी आप बातें ही करती रहेंगी या कुछ ड्रिंक्स भी बनाएंगी लिसा के लिए, एक अच्छे दोस्त की तरह? यू लुकिंग लवली। Thank you. Your favorite. Thank you, Anita ji. That's like a good girl. तुम गोवा में क्या कर रही थी इतने दिन? सेमिनार तो सिर्फ 3 दिन का था ना? Actually, सेमिनार एक बहाना था. Lisa needed a break. मेरा ख्याल अर्जुन बाबू, कहीं आपको ब्रेक की जरूरत तो नहीं थी? Never. मैं कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ. Rahul, what is this? What do you mean? ये कोई बात है कहने की? अनीता, मैं मजाक कर रहा था भाई। ये अंजू क्या कर रही है यहाँ पर? सब ठीक हो गया तुम दोनों के बीच? क्या मतलब? Oh come on, as if you don't remember, अंजू के बच्चे पर अर्जुन और देव की इतनी बड़ी लड़ाई, gosh it was too much. But actually अगर देखा जाए तो इसमें अर्जुन की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देव तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है 24 घंटे, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। But you should have seen अंजू, उसका एक्सप्रेशन तो ऐसे हो गया था जैसे कि स्ट्रैंगल कर देगी उसको। किसको? देव को, who else? What's wrong with you? और अर्जुन, अर्जुन के चेहरे पर भी एक मर्डरस एक्सप्रेशन था। It was really scary. यार हम तो शुरू से ही मजाक करते हैं कि तुम्हें देव के साथ होना चाहिए था और अर्जुन को अंजू के साथ। नाम भी तो मिलते जुलते हैं, अर्जुन अंजू। Just kidding. Can I help? Yeah, ये ले लीजिए। चले चलो। Hot and happening starters, gentlemen. Oh, wonderful. Doesn't look like we need any more food, right? Yeah, Dev कहाँ है अंजू? काफी दिनों से देखा नहीं। वो हम बाहर रहते हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं। हाँ हाँ, बाहर होगा, शिपीज ऐसे ही होते हैं ना। अनीता, क्या चल रहा है आजकल? Any new interesting case? है, interesting भी और पेचीदा भी। अच्छा? इसी बात पे एक और शेर याद आया। अनीता जी, आपकी नजर ये शेर कि औरत अगर चाहे तो महफिलें सजा दे। लिसा जी, आप भी तवज्जो दें कि औरत अगर चाहे तो महफिलें सजा दे, एक आसान से केस को मुश्किल बना दे। आप टॉलरेट कैसे करती से? अरे हाँ, मुझे याद आया, आपकी स्टडी में एक किताब पड़ी है, वो मुझे बहुत दिनों से चाहिए, मैं अभी लेके आता हूँ। रुक जाओ। आई मीन सब कुछ बिखरा पड़ा है ऊपर, बाद में ले लें। ओके। हाँ, सो कमिंग बैक टू माय प्रॉब्लम, पहली बार मैं किसी ऐसे क्लाइंट का केस लड़ रही हूँ जिस पर मुझे खुद ही भरोसा नहीं है। क्यों? सी, ही इज अक्यूज्ड ऑफ गर्लफ्रेंड का कत्ल का इल्जाम उस पर है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इट्स अ हार्ट फेलियर। सी, मेरा क्लाइंट एक डॉक्टर है, लड़की सिर्फ 20 साल की थी, इतनी छोटी सी उम्र में हार्ट फेलियर, इट्स पॉसिबल। पुलिस नहीं मान रही है। क्यों? एक डॉक्टर के लिए किसी कत्ल को नेचुरल डेथ प्रूव करना भी तो मुश्किल नहीं है। True. एक डॉक्टर के लिए किसी कत्ल को नेचुरल डेथ प्रूव करना भी तो मुश्किल नहीं है। अर्जुन के अलावा कोई और भी है मेरी जिंदगी में? देव तुम्हारी सबसे अच्छे दोस्त हैं, इस बात को लेकर तुम दोनों के बीच में तनाव जरूर था। 2 महीने हो गए देव को गए हुए। मैं ये नहीं जानता कि तुम अपने पर्स अपने साथ क्यों नहीं ले गई। पर्स अपने साथ? मुझे नहीं लगता कि इस बार वो लौट करके आएगा। मुझे लगने लगा है कि मेरा तुम्हारे पास होना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। इसके मायने ये हुए अर्जुन बाबू, ये एक अच्छा सर्जन एक अच्छा कातिल भी बन सकता है। व्हाट से?
That's it. Last sip, bottoms up. मुझे बहुत भूख लगी है. Great idea. उसके बाद हम खाना खाएंगे. Quick, फटाफट. Come on. Pick up a juice. एक मिनट. Okay, फटाफट. Pizza का glass. Quick. Thanks, Anju. I just hope she gets better, Arjun. और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर करना. अर्जुन, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन. इसके मायने ये हुए अर्जुन बाबू, एक अच्छा सर्जन एक अच्छा कातिल भी बन सकता है. आपकी स्टडी में किताब पढ़ी, वो मुझे बहुत दिनों से चाहिए. कैसी हो? मैंने सोचा है कि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा. नो काम, नो सेलिना, सिर्फ तुम और मैं. हेलो, आई सी, ओके. देयर इज एन इमरजेंसी, मुझे जाना होगा. प्लीज नाराज मत होना, ओके? नहीं नहीं, I'll be fine. You go. Are you sure? Yeah. Yeah? Pakka. Oh shit. Selina to chutti pe hai. I can't leave you alone like this. Nahi Arjun, tumhara hospital jana zyada zaruri hai. Main apna khayal rakhungi. Really. You just go. Hello. I'm on the way. Bye. I'm on the way. Yeah. Bye. अर्जुन ने राहुल को स्टडी में जाने से क्यों रोका? अर्जुन ने देव को मार डाला. मैंने जरूर देखा होगा और अब अर्जुन मुझे भी मार डालेगा. क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रही थी?
ऐसे क्यों देख रही हो? अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं पहचानती? देव, देव, विश्वास नहीं होता। इट्स ऑल सो कंफ्यूजिंग। ये बताओ देव, तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? गायब? हमने 2 हफ्ते पहले बात की थी। तुमने मुझे फोन किया था? हाँ। फिर तुमने अंजू को फोन क्यों नहीं किया? लिसा, यह तुम्हारी आइडिया थी कि अचानक आके उसे सरप्राइज देना। और तुम भी मुझे एक सरप्राइज देने वाली थी। जिस तरह से तुम कह रही थी, मुझे लगा घर में खास मेहमान आने वाला है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई बात होती तो हॉस्पिटल में इतने टेस्ट हुए, उनमें तो पता चल ही जाता। कितनी अजीब बात है, आज तक मैं सवाल पूछता था और उसके जवाब तुम मुझे दिया करती थी, और आज मैं खुद एक सवाल बन के रह गई हूँ। प्लीज सर। खैर, हम तो शुरू से ही मजाक कर रहे हैं कि तुम्हें देव के साथ होना चाहिए, देव के साथ होना चाहिए, अर्जुन को अर्जुन और अर्जुन को अर्जुन। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और आज भी हूँ। चिरा, चलो मुझे चलना होगा। अगर अंजू को पता चला कि उसे मिलने से पहले मैं तुम्हें मिला हूं तो बहुत नाराज हो जाएगी। यू नो हर। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। यस, देव आ गए तुम? ठीक है ठीक है, पहले ये बताओ इस बार कितने दिन के लिए आए हो? डैड, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? ना कोई पता, ना कोई चिट्ठी, ना कोई टेलीफोन। जानते हो कितना फिक्र हो रहा था? मैंने तो फिक्र में कुछ खाया भी नहीं। डैड, इस बार मैं जाने के लिए नहीं आया। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देन यू कैन टच माय फीट। गॉड ब्लेस यू। Dad. आप कभी मत जाना। चल चल। अर्जुन के बारे में गलत सोच भी कैसे सकती थी? अर्जुन से अच्छा पति मिलना नामुमकिन है। I love you, अर्जुन।
कुछ गुनगुनाए रे अपना कोई आए रे हाय रे यहाँ जागे जागे इन नैनों में आते गए जाते गए अरमा कितने अभी अभी यहीं कहीं एक आहट धर गई एक चाहत बहकी हवाएं महकी फिजाएं मेघाए रिमझिम बूंदे बरसाए रे मन मेरा गाए रे कुछ गुनगुनाए रे ला 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 महा हेलो देव बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ पर अर्जुन की चिंता तुम मत करना मैं मैनेज कर लूंगा किसका फोन था फोन हाँ बजा था ना नहीं तो हेलो हेलो ओ अंजू हाय नहीं नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए क्या नहीं नहीं खुश हूं ना ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी आज शाम को मिलते हैं ओके ऑलराइट बाय बाय देव वापस आ गया है अच्छा बहुत खुश थी अंजू तुम्हें कॉफी के लिए बाहर ले जाना चाहती है गो विद देम हैव सम फन लेकिन देव के साथ ज्यादा बात मत करना परेशान हो जाओगी ओके मुझे अर्जुन से यह बात नहीं छुपानी चाहिए थी Bye. कि मैं देव से मिली थी अर्जुन मुझ पर कितना विश्वास करता है लीजा कितना मजा आ रहा है ना पुराने दिन याद आ गए काश जो अर्जुन भी आज हमारे साथ यहाँ होता हाँ उसके पास वक्त ही नहीं है आजकल बहुत बिजी हो गया है क्या है पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उसी पे है ना Excuse me, Lisa. I'll just come back from the restroom. Lisa, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है पता नहीं उस दिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो मुझे बताओ लीसा शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब हमें मिल जाए उस दिन जब मैं स्टोर के बाथरूम गई थी तो मैंने देखा कि मेरे कोट पे खून के धब्बे थे तुम्हें कहीं चोट लगी थी नहीं वो खून मेरा नहीं था क्या और मेरे ट्रेंच कोट में बहुत से पैसे थे 10 लाख व्हाट उन पैसों के बीच में एक चिट थी जिस पर मोहन R31@12 ऐसा कुछ लिखा था अर्जुन इसके बारे में जानता है नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कोई तुम्हारे बारे में बुरा कैसे सोच सकता है वो भी पैसों के लिए तुम्हें पैसों की क्या कमी है लीसा मगर वो खून वो ड्रेस कहाँ है वो ड्रेस तो मैंने फेंक दी
और वो पैसे होटल के लॉकर में। सॉरी। हेलो एक्सक्यूज मी माई सेल्फ रवि कैन वी डू दैट बूम अगेन क्या बूम बूम प्लीज गॉड माय प्लेजर बूम कहां कहां से आ जाते पता नहीं बूम क्या हुआ अंजू बूम हियर यू आर थैंक यू सर और कुछ सर वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का क्रिमेशन 14 तारीख को है उसका ऑथराइजेशन हाँ अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया कविता से कहना मुझसे पेपर साइन करवा ले जी सर ये अंजू कहाँ गई है ये आइसक्रीम लाने गई है बनाने गई है अंजू बहुत खुश है तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई थी देव कौन है वो पता नहीं उस दिन मैं अंजू के साथ शॉपिंग करने गई थी ये अचानक वहां आया और इसने मुझे किस किया What? एक शरीफ लड़की को बाजार में पकड़कर किस करना इसका क्या मतलब शरीफ आजकल वो तुम पर मेहरबान है पहले मेरे साथ थी क्या मतलब शी इज अ फास्ट गर्ल एंजॉय व्हाट नॉनसेंस क्लब वर्टिगो जाओ वहां उसकी शराफत के कई कदरदान मिलेंगे तुम्हें जब तक साथ है ऐश करो इसके मूड का कोई भरोसा नहीं
इस तरह क्यों करे बेखुदी बेसब्र दिल इस तरह क्यों करे बेखुदी बेसब्र दिल बहका 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 खोया खोया रहता है केसरिया बालों से से नैन लड़ाने के बाद मुझे जो One rough, please. You must be having a great time over here. काफी खूबसूरत लड़कियां आती होंगी यहाँ. लेकिन आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है. Well, इसे देखा है? She was hot. पहले काफी आती थी यहाँ पे उसमें बात ही कुछ और थी. अकेले आती थी या किसी के साथ? अकेले कभी नहीं और किसी एक के साथ दोबारा नहीं. Cheers. Cheers. कब से गा रही हो? मेरे बारे में जानना चाहते हो या इसके बारे में? वाइफ? क्या बता सकती हूँ इसके बारे में? ये कभी साथ आया था? काश. इसे तुमने आखिरी बार कब देखा? You will die. You will die. Everyone dies. 2 weeks. Thank you. Sirf. Thank you. कोई बात नहीं. पहली मुलाकात है. फिर मिलेंगे. Good night, ma'am. जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? आपको आराम करना चाहिए. डोंट टच मी. सॉरी आई एम लेट.
लेकिन तुम्हारे कई सवालों का जवाब ढूंढ कर लाया हूँ। मतलब? पहले मुझे ये बताओ, तुम वर्टिगो जाती थी? वर्टिगो? शायद। वहां तुम्हें सब जानते हैं। वो लड़का जो तुम्हें शॉपिंग मॉल में मिला था, उसी ने मुझे सब बताया। वो चिट तुम्हें याद है, मोहन R31-1230? कई सवालों के साथ मैं क्लब वर्टिगो से निकला और अचानक मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, रोड नंबर 14। तुम्हारे ओवरकोट से जो चिट मिली थी, R31। आर का मतलब रोड था और मैं रोड नंबर 31 पर पहुंचा। इट वॉज वेरी क्लियर, R31 मतलब रोड नंबर 31, मोहन मतलब मोहन फोटोलाल और 1230 मतलब शॉप नंबर 1230। एक्सक्यूज मी सर। गर्ल। मैडम। हाउ कैन आई हेल्प यू? आपने इन्हें देखा? वेरी मैस्कुलिन। दिस इज सो नाइस। आपने इन्हें देखा है? हाँ, याद आया। वो आई थी, इनकी कुछ तस्वीरें हैं। कह रही थी कि किसी को भेजेंगी, खुद नहीं आएंगी। मुझे मालूम नहीं था इतना क्यूट बॉय भेजने वाली है। नॉटी बॉय। एक्सक्यूज मी। या। आपकी पिक्चर्स। वेल। बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर। I'm sorry, मुझे अंदर क्या था पता नहीं था, इसलिए मैंने। लेकिन कम से कम तुम्हारी मोहन वाली मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। रिलैक्स, अर्जुन ने खींची होंगी, यू नो सम प्राइवेट मोमेंट्स। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। अर्जुन, मेरी याददाश्त चली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नौकरानी इस घर में आएगी और मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत करेगी। लिसा, मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा है। क्या? इसका मतलब है कि हर छोटी सी चीज के लिए मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अपने खुद के घर में? मैं उससे तंग आ चुकी हूँ अर्जुन। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई कैदी नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकती, तो तुम मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। I'm sorry. मैं वही कर रही थी जिसके लिए आपने मुझे इधर रखा था। मैं जानता हूं सेलिना, पर लिसा, she is not well. आज पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। वो बदल रही है। और कैसे देखूं? ऐसे तो देखता हूं। नहीं देव, पहले बात कुछ और ही थी। तुम कितना रोमांटिक हुआ करते थे, मेरे लिए फूल लाना, डिनर्स के लिए जाना, हर वीकेंड पे डांसिंग। जब से तुम आए हो, एक भी बार तुम बाहर नहीं लेके गए मुझे डांसिंग के लिए। बस इतनी सी बात, बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब?
ऑफ कोर्स तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। कब जा रही हो? अगले हफ्ते। कहाँ जा रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड? हाय। फाइनली देव और मैं एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वाओ, रियली? आई एम सो हैप्पी फॉर यू अंजू। थैंक यू। आज लीजा भी अपना काम शुरू करने जा रही है। मैं आज उसे अपने साथ अस्पताल लेके जाऊंगा। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू अंजू। थैंक यू। बाय, सी यू। बाय। अब हॉस्पिटल चले। कविता? या? लीजा को जरा डॉक्टर राज से मिलवाना। मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। यू लुक अराउंड एंड ट्राई टू एंजॉय योरसेल्फ। ओके? ओके। कम कम। Let me introduce you to Dr. Raj. Children ward ke new in charge. Singhania Life Care ke new member. Dr. Raj? Yes? Ye hai Mrs. Lisa O'Broy. Oh, very nice to meet you. Bahut suna hai aapke baare mein. Nice to meet you too. Dr. Arjun keh rahe the aapka favorite ward hai. Bachchon ko milna, unko kahani sunana. In fact, bachchon ko bhi bahut pasand hai ye sab. Isn't it, beta? Excuse me. Hi. Hello, such a cute sweetie. Teddy bear. How are you today? Let me check. Fever's all right. Throat's all right. Eyes are. Hello. आपका क्या नाम है? Hey, that's a nice toy. You're doing well. Beta. Stop. Give it to me. Give it to me. Haldon, ये दवाई यहां कैसे आई? मेरे बैग में से निकाली होंगी। ये मेरी है। ये आपकी है? You should be careful. आपको मालूम है बच्ची खा लेती, she could have died. I'm sorry, it's my fault, लेकिन मुझे नहीं लगता है ने खा के कुछ होता। These are Prestil, very mild tranquilizers. जी नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। This is not Prestil, this is Haldol. Haldol? These are just Restil. जी नहीं, शीशी रेस्टिल की है, मगर टैबलेट्स हैल्डोल है। हैल्डोल? हैल्डोल? Yes, that's right. ये किस लिए दी जाती है? Major psychosis, depression, and acute schizophrenia. Which means extreme cases में, और वो भी as an absolutely last resort. अगर ये किसी ऐसे पेशेंट को दी जाए जिसकी याददाश्त खो गई हो तो वेरी सैड, कभी लौट के नहीं आएगा। कभी लौट के नहीं इस वक्त तुम बात करने की हालत में नहीं हो, और वैसे भी ये पिल्स मैं तुम्हें क्यों दूंगा? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ अर्जुन। शायद तुम चाहते ही नहीं कि मेरी याददाश्त कभी वापस आए। ऐसा ये क्या पागलपन है? जेंटलमैन, लेडीज, प्लीज एक्सक्यूज अस। थैंक यू। लीसा, पहले भी लड़े थे। What? हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था लीसा। और मैंने तुम्हें मारा था अर्जुन। नहीं, नहीं लीसा। उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, तुमने मुझे पकड़ा और मैंने तुम्हें मारा था।
वो खून तुम्हारा था अर्जुन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रिसा खून के बारे में? अगर ये मुझे पता होता तो मैं सब कुछ तुम्हें बता देता। कम से कम तुम मुझ पर शक तो नहीं करती। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम परेशान ना हो, कि तुम्हारी याददाश्त अपने आप लौटाए ताकि मुझे तुम्हें कुछ बताना ना पड़े, तुम्हें दुख ना पहुंचाना पड़े। पता नहीं कहां से शुरू करूं, शायद तुम्हारी मां के एक्सीडेंट से। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत परेशान थी। अपने आप को मां की मौत का जिम्मेदार ठहरा लिया था तुमने। तुम देव के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी। रातों को देर से आना तुम्हारे लिए एक आदत सी बन चुकी थी। जब मैं वजह पूछता तो तुम हंस के कहते कि मैं अंधा हूं, यह भी नहीं देख सकता कि मेरी नजरों के सामने क्या हो रहा है। जब मैंने तुम्हारे और देव के रिश्ते के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो। मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा लीसा। तुम्हारे बिना जीना मुझे गवारा नहीं था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुमने मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि मैं बेवकूफ हूं, कई मर्दों के साथ तुम्हारा रिश्ता है, मुझसे रहा नहीं गया और गुस्से में मैंने तुम्हें जोर से पकड़ लिया, तभी तुमने मुझे मारा। बहुत खून निकला, अपने आप को संभालने के लिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया और तब वो खून तुम्हारी ड्रेस पर लगा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि तुम नहीं थी, मेरा ट्रेंच कोट पहनकर तुम भाग गई थी। ट्रेंच कोट में जो पैसे थे वो हॉस्पिटल के थे। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने तुम्हें हैल्डोल प्रिस्क्राइब किया था। और भी कुछ है अर्जुन? प्लीज एक मिनट, मैं अपने आप को मामा के एक्सीडेंट का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही थी? इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है अर्जुन, कि उस दिन कार मैं चला रही थी। लीसा बस है ना, बस लीसा। लीसा, जब तुमने मुझे खून से लथपथ देखा शायद तुम्हें वो लम्हा याद आया जब मां ने तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा था, और शायद इसीलिए तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। मैं ही वो कार चला रही थी अर्जुन। मैं नहीं पापा को मारता। बस तुमने बहुत सहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी लीसा, ट्रस्ट मी। आई लव यू लीसा। मेरा यकीन मानो, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। आई लव यू लीसा, आई लव यू। लीजा कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ये सब की क्या जरूरत है? नहीं अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि तुम हर छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास आओ, और फिर ये हॉस्पिटल तुम्हारा है,
तुम ही इसे संभालो। इसमें लीजा के नए सिग्नेचर्स हैं, जरा बैंक वगैरह में देख लेना। डोंट वरी सर, वकालत तो मेरा पेशा है। हेलो लीसा, मैं देव बोल रहा हूँ। देव, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं देव? क्या? यही कि हमारा अफेयर था, यही कि 18 अप्रैल जिस दिन मामा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हम दोनों घर छोड़ के जाने वाले थे। ये तुम क्या कह रही हो लीसा? देव, अंजू ने बड़ी अच्छी खीर बनाई है, थोड़ी टेस्ट करके देखो ना। क्या बात है देव, परेशान लग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है देव? तुमने लीसा से क्या कहा था? क्या? कि उसका और मेरा अफेयर था। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? पर क्या तुम्हारा और उसका अफेयर था, इसीलिए तुमने मुझे छोड़ा? Are you stupid, अंजू? उसके और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, और अब वो भी नहीं रहा। मतलब? अर्जुन उसे भड़का रहा है। पर क्यों? ये तो वही हमें बताएगा। तुम कहना क्या चाहते? वही जो तुम समझ रहे हो डॉक्टर। तुमने लीसा से झूठ क्यों कहा? मैंने लीसा से वही कहा जो उसने खुद मुझे बताया था। लीसा ऐसा क्यों कहेगी? क्योंकि ये सच है, और इतनी घटिया बात अपनी बीवी के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? किसी को बचाने के लिए, कुछ छुपाने के लिए लीसा सिर्फ उतना ही जानती है, उतना ही मानती है जितना तुमने उसे बताया है, और ये जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सही हो। Enough, Dave. अर्जुन मेरे पति हैं, और मेरे सामने तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं और कुछ नहीं जानना चाहती हूं। प्लीज देव, हमें अकेला छोड़ दो। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने पति पर? जरा एक बार इनसे पूछ लेना कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम 18 अप्रैल को घर छोड़ के जा रहे थे, जबकि ये जानते थे कि उस दिन मैं शहर में था ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप लीसा को बता सकते हैं कि इनकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी कब है? 18 अप्रैल जिस दिन मेरी याददाश्त नहीं, 4 फरवरी, एम आई राइट डॉक्टर? और लीजा, उस दिन गाड़ी तुम नहीं चला रही थी, तुम अंजू के साथ थी। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, सब जानते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, कुछ अच्छा कर रही हूं, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन। कलम जा रहे हैं लीसा, और तुम यहां सेफ नहीं हो। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ चलो। ठीक है लीसा, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम खुद हो। अपने दिल में झांक के देखो, सारे जवाब वहीं मिलेंगे। लेट्स मूव। लीसा, लीसा इसकी बात पर यकीन मत करना। लीसा मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें नहीं पता मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। लीसा, लीसा प्लीज लिसन टू मी। लीसा, देव ठीक कह रहा था, यू आर अ बास्ट।
देव, अच्छा हुआ तुम आ गए। कॉफी पी लो। लला तुम्हारी जुड़वा बहन थी, तुमने उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, मुझे भी नहीं। तुम्हारे पापा उससे बहुत नफरत करते थे। जब लैला 16 साल की थी तब वो घर से भागकर यूएस चली गई। शराब, ड्रग्स, मर्दों से गलत रिश्ते, सब उसकी आदतें थी। तुम्हारी माँ के मौत के बाद तुम्हें लैला बहुत याद आने लगी। शायद किसी अपने की जरूरत तुम महसूस करने लगी थी और तुमने मुझे उसके बारे में बताया। तुम्हें लगा कि उसे भी एक अच्छी जिंदगी जीने का हक था। तुम्हें विश्वास था कि तुम प्यार से उसे बदल दोगी और कुछ हफ्तों के लिए तुमने उसे हमारे साथ रहने के लिए बुलाया। Hi, you must be Leila. I'm Arjun. Welcome to the family, Jiju. उसने जिस तरह मुझे छुआ, जिस तरह देखा, एक आने वाले तूफान का एहसास हुआ। Hi, Liz. Oh. Hey, Liz. Layla. तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत सेक्सी है। तुम दोनों जुड़वा तो थे पर एक दूसरे से एकदम अलग। तुम सवेरे की पहली किरण थी। वो अमावस की काली रात। Some of them want to get used by you. Hey baby, did you hear the bell? Is someone at the door? It's the Sandman. Sandman is coming. It's the Sandman. He throws morphine in your eyes so we could sleep forever while तुमने उसे यहां बुला तो लिया लेकिन बदल ना सकी। वो तुम्हारी सादगी, तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाने लगी थी। मुझे इशारे करना, अकेला पाते ही पकड़ लेना, वो मुझसे खुलेआम फ्लर्ट करने लगी थी। हग मी जीजू। उसका नशा करना, पार्टियों में जाना, सब मैंने तुमसे छुपाया।
अजीब अजीब हरकतें करने लगी, खासकर मेरे साथ। और फिर 18 अप्रैल की रात। लीसा, लीसा हरी अप, आई एम बैक। लीसा रुको, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। अच्छा? मैं अभी अभी ऑफिस से आया, वो हमारे बाथरूम से नहा के निकली, मैंने सोचा कि तुम हो। I'm serious, I swear. Oh come on, Liz. इतनी छोटी सी बात को दिल पे लगा लिया? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे अर्जुन और मैंने और वैसे भी इससे पहले कि कुछ होता तुम बीच में आ गई। क्यों चीचू? मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें यहां रहने के लिए बुलाया। सोचा था कि तुम बदल जाओगी लायला, बट यू आर अ एंड यू कैन नेवर चेंज। ओह या, कैसे बनने के लिए तुम्हारे जैसे? ओह कम ऑन, यू मस्ट बी किडिंग मी। तुमने देखा नहीं है अर्जुन मेरी तरफ कैसा देखता है? बदलना तो तुम्हें चाहिए। मैं तो अर्जुन के टेस्ट को 2 दिन में ही समझ गई थी। तुम जैसी बोरिंग लड़की के साथ शादी करके वो बेचारा तो फंस ही गया। You bloody Lisa! Lisa! छोड़ दो मुझे अर्जुन! Leave me! Stop this! I'll kill that piece of shit! Leila! Leila! Stop it! Lisa! Lisa! Lisa, तुम ठीक हो? अर्जुन! अर्जुन, विश्वास नहीं हो रहा था कि लैला मर गई थी। तुम पुलिस को बुलाना चाहती थी लेकिन मैंने मना किया। मेरे बदन पे निशान, कमरे में टूटा हुआ फर्नीचर, पुलिस कभी विश्वास नहीं करती कि वो एक एक्सीडेंट था। तुम्हें जेल हो जाती। Thank you.
मेरे पास अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को क्रिमेट करने की अथॉरिटी थी। तुम्हारी मदद से मैं लैला की बॉडी को हमारे हॉस्पिटल के मॉर्ग में ले आया। लॉकर खोल दो। मैं तुम्हें घर पे फिर समझाऊंगा, पर शायद लैला की मौत का तुम्हारे दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। तुम अपना संतुलन खो बैठी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। लीसा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो एक एक्सीडेंट था, ये राज एक राज ही रहेगा। अंजू, देव, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ठीक कह रहा है लीसा, अब तक तुमने बहुत सहा है, अब अपनी जिंदगी जियो। और ये थी कहानी उस लड़की की, एक ऐसी कहानी जिसका अंत सिर्फ मैं जानता था, क्योंकि मेरे लिए वो एक नई कहानी की शुरुआत थी। जब लीसा और लैला का झगड़ा हो रहा था तो मुझे वो मौका नजर आया जिसकी मुझे तलाश थी। मैं सिंघानिया लाइफ केयर का सारा कंट्रोल हासिल करना चाहता था, जिसके लिए लीसा को मारना जरूरी था, और मैंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मैंने लीसा को मार दिया, मैंने लैला को हेल्डोल की टैबलेट्स दी ताकि उसे होश कभी ना आए, उसे लीसा के कपड़े पहनाए। तुमने से मार डाला अर्जुन। यू किल्ड हर। चलो अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। नाटक? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ना अर्जुन कि तुमने अभी अभी मेरी बहन को मार डाला। शट अप, शट अप। चाबी दो, चाबी दो। अब जब तक मैं हॉस्पिटल के कागजात अपने नाम नहीं करवा लेता, तुम्हें लीसा बंद कर रहना मेरे साथ, समझी? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? नहीं, मैं जा रही हूं। कहां जाओगी तुम? पुलिस के पास? तुम्हें क्या लगता है
डॉक्टर अर्जुन ओबेरॉय से ज्यादा वो तुम पर यकीन करेंगे? एक आवारा गर्द नशे करने वाले का, देखने में तुम इतनी पागल नहीं लगती। जाओ, मैं भी देखता हूं तुम कहां तक जाओगी। आखिर में तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे पास, जब अपनी मरी हुई बहन से दिल भर जाए ना तो घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। दिन जब मैंने लैला को हमेशा के लिए लीसा बना दिया, मेरे इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली। दिल कट गई नी बलिए, तेरे हक में मस्ती कमला कमला।